पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बुखार के चलते अस्पताल में सोनिया गांधी को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की टीम सोनिया गांधी की निगरानी कर रही है। फिलहाल जानकारी ये है कि सोनिया गांधी की तबीयत स्थिर है। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग देख रहे हो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को लेकर के आई बेहद ही बड़ी दुखद खबर। जी हां, सोनिया गांधी जी को लेकर के आई बहुत ही बड़ी चौंका देने वाली खबर। चारों तरफ मचा हड़कंप, पूरी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हुए अस्पताल रवाना। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी जी को किया गया भर्ती, क्योंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, उसकी वजह से इनको दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया है। कई बड़े बड़े दिग्गज नेतागण इनसे मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। सोनिया गांधी को लगभग 2 से 3 महीने पहले बहुत ही तगड़ा बुखार आया था और सांस लेने में भी इनकी दिक्कत बताई जा रही थी। उनको तुरंत सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस टाइम इनकी हालत पर सुधार आ गया और स्वस्थ हो गई, लेकिन अब इनकी हालत फिर गंभीर हो गई है। इनको बुखार आ गया बताया जा रहा है और इनको दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए और भगवान के सामने, ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर सोनिया गांधी जैसी महान दिग्गज नेता के लिए स्वस्थ ठीक रहे।